हेलो, आपने देखना शुरू कर दिया है यूनिवर्सिटी न्यूज़। आज हम पीएचडी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च है यहाँ पे, आईसर जिसे बोलते हैं। यहाँ पे पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो इसी के बारे में आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। यह मोहाली का है आईसर। मोहाली इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्थान है। यहाँ पे पीएचडी करना बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का पीएचडी होता है, बेस फेलोशिप के साथ किया जाता है। तो ये आईसर मोहाली में है। यहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो इसी के बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन है, मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके और ले चलता हूँ नोटिफिकेशन पर, और दिखाते हैं आपको पूरे डिटेल्स। यहाँ पर पीएचडी करना सिर्फ के बाद आपको जॉब मिलने के आपके पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। यहाँ पे स्किल कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे हम आ गए हैं न्यू नोटिफिकेशन। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अगस्त के लिए, अगस्त सेक्शन से यहाँ पे शुरू होगा। और डिफरेंट सब्जेक्ट में निकला हुआ एप्लीकेशन फॉर्म में देख ले, एप्लीकेशन आर इनवाइट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम एट द आईसर मोहाली। किस में है निकला हुआ है? तो बायोलॉजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में, मैथमेटिक्स में निकला हुआ है, आर्ट्स साइंस में, और ह्यूमनिटी इन सोशल साइंसेस मेरी बात की निकला है। ह्यूमनिटी इन सोशल साइंस में भी यहाँ पर पीएचडी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और बिगनिंग अगस्त सेशन के लिए निकला हुआ है, क्लास अगस्त सेशन से शुरू हो जाएंगे कोर्स वर्क के। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट के लिए अदर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। और लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, एप्लीकेशन शुड हैव मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए। किस में? बीटेक होना चाहिए, एमबीएम बीएससी भी होना चाहिए, एम टेक भी होना चाहिए। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ICAR, UGC, नेट, CMSIR जो है, कोई भी फेलोशिप आपके पास होना चाहिए रिलेवेंस सब्जेक्ट में। नेशनल लेवल फेलोशिप आपके पास होना चाहिए, स्पॉन्सर फेलोशिप आपके पास होना चाहिए। गेट, नेट, जी पैट जो होता है सर, नेट स्ले नेट LS जो होता है लेक्चरशिप का, वो भी आपके पास अगर इसमें से है तो आपके पास होना चाहिए। हु डू नॉट हैव एनी फेलोशिप विल ऑल्सो बी कंसिडर फॉर द एडमिशन। अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तब भी आपको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ए लिमिटेड नंबर ऑफ दिस कैंडिडेट मे बी पेड फेलोशिप एंड फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोजेक्ट का आपको ग्रांट अवेलेबल ऑन द फैकल्टी। सम कैंडिडेट हु आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस नंबर ऑफ फेलोशिप इन आईसर मोहाली के लिए है, तो यहाँ पर फेलोशिप आपको मिलेंगे। अगर फेलोशिप नहीं भी है, अगर नेट है सिर्फ, तो फेलोशिप नहीं है तभी आपको मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट आपको 110 सीटें हैं यहाँ पे हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें 51 जनरल में है, 51 जनरल में, 27 जो आपको है OBC में है, और इसी के साथ SC ST में भी 15 और 7 की है। EWS में 10 सीटें हैं, तो काफ़ी 110 सीटें काफ़ी हुआ, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लीकेशन ऑनलाइन करने के लिए, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन पर क्लिक करके आप भर सकते हैं फॉर्म। और लास्ट डेट की बात करें तो इंस्ट्रक्शन पर इसे पर देख ले, आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तब अप्लाई कीजिएगा तो बेहतर रहेगा। और लास्ट डेट आपको 14 अप्रैल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इस लिंक पर। ये इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। और जो डिपार्टमेंटल जो है सब्जेक्ट वाइज, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी दिया है। जैसे बायोलॉजी साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में आपके पास मास्टर डिग्री, MBBS और MPharma, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 60% मार्क्स के साथ आपको होना चाहिए, और फेलोशिप तो अप्लाई कर सकते। इसी तरह से केमिकल साइंस में भी है, फिजिकल साइंस में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, और अर्थ साइंस में भी आपके पास होना चाहिए 65% पास। OBC कैंडिडेट है तो आपको 5% का छूट मिलेगा यहाँ पे। इस तरह से आप देख सकते हैं। ह्यूमनिटी एंड सोशल साइंस कैंडिडेट हैं तो आपके पास MA होना चाहिए, MSc और MTech आर्किटेक्चर में आपको होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। अगर SC ST है तो आपको 5% का छूट मिलेगा यहाँ पे, 45% यहाँ पे होना चाहिए। और लगभग सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट में आपका यहाँ पे PhD कराएगा, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, कोई भी हो, तो यहाँ पे होना चाहिए आपको। अगर वैलिड आपके पास नेट गेट यहाँ पे होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे
अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1500 वर्ड के, 1500 वर्ड के आपको सिनॉप्सिस तैयार करना होगा रिलेवेंट सब्जेक्ट में, लिटरेचर रिव्यू सभी तैयार करके आपको तो फॉलोइंग ईमेल एड्रेस यहाँ पे भेजना होगा। मेंशन द ब्रॉड ऑफ एरिया, हिस्ट्री रिसर्च इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होना चाहिए, आप यहाँ पे भेज सकते हैं। स्टेटमेंट के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस में। तो ये रहा, ये अदर्स तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये इसको आप अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए और तब अप्लाई कीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस पर और अच्छी तरह से देख लीजिए। तो यहाँ पे आपको निकला हुआ है PhD आईसर मोहाली में, तो यहाँ पे अप्लाई करिए। तो ये इतना ही आज के वीडियो में। अगर इस तरह के आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको मिलता रहे तो यूनिवर्सिटी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने स्टूडेंट देखते हैं उससे कम सब्सक्राइबर हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए यूनिवर्सिटी न्यूज़।